हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का विद पूजा। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ गर्मियों की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि कभी कभी हमारा कुछ अलग खाने का मन करता है या खाना खाने का, रोटी खाने का मन नहीं करता, तो आप इसे, ये बहुत हेल्दी एक तरीके का रायता है और आप इसको आराम से बना करके घर में, और सभी चीज़ें जो हैं आपके पास घर में अवेलेबल रहती हैं, बहुत यम्मी है, किसी गेस्ट के लिए भी आप बना सकते हैं और गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत टेम्पटिंग है खाने में भी और बहुत ही हेल्दी भी है, और साथ में गर्मियों में कभी कभी ठंडा खाने का मन करता है तो उसके लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। तो आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक हमने मिक्सी जार में ये लगभग 2 इंच का खीरा ले लिया है और 2 हरी मिर्च लेनी है, थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है हमने, बहुत थोड़ा सा ही लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। 1 कप मखाने लिए हैं मैंने, मखाने को हम ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे बिना घी ऑयल डाले, खूब अच्छे इसके एकदम से कुरकुरे हो जाने चाहिए। आप ऐसे और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरीके से आप इसको भून लेंगे, जब ये भून जाएंगे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो आप इसको अलग निकाल लें। अब एक बाउल में हम मैंने फ्रेश कर्ड ली है, आपको जितना रायता बनाना है, मैं इसमें 4 टेबल स्पून के करीब कर्ड ले रही हूँ। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, इसको अच्छे से फेटेंगे। इसमें अभी मैंने कुछ दूध पानी कुछ नहीं मिलाया है ऐसे ही, क्योंकि ये रायता थोड़ा सा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। तब इसके साथ आप जैसे कभी लोग, कुछ लोग वेट लॉस भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये रेसिपी बहुत अच्छी है, आप आराम से इसे खा सकते हैं और आपका इसके पेस्ट बिल्कुल भरा भरा रहेगा। अभी जो हमने कुकुम्बर का पेस्ट बना के रखा था ये हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो मिंट लीफ भी डाल सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, भुना जीरे का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक हम इसमें डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसी के साथ हमने जो मखाने अपने भून कर रखे हैं वो भी हम डालेंगे, और साथ साथ में इसके लिए थोड़ा सा तड़का रेडी कर लेते हैं। 1 चम्मच तेल लिया है, हींग लिया है मैंने, 1 चम्मच जीरा लिया है। अब इसमें 1 बड़ी प्याज लेंगे हम, रफली चॉप लेंगे थोड़ा मोटे मोटे पीसेस में, और इस प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक को फ्राई कर लेना है। इसको करारा, मतलब हमें इसको गलाना नहीं है, इसको भी क्रंची रखना है। इसको हम जब इस तरह से तेज आंच पर जब हम करेंगे इस तरह से ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। इसको निकाल लेंगे अलग प्लेट में। अब चलते हैं और अपने मखाने इसमें दही में डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसको। और जो हमने ये फ्राई करके रखे थे प्याज ये भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, बिना उसके भी ये रायता बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें आप पुदीना और डाल सकते हैं। अब बस इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देंगे और फिर हम उसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। सर्व कर लेते हैं, चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, बस अब इसे सर्व कर लेते हैं। और ऊपर से गार्निशिंग के लिए आप इसमें धनिया पत्ता, प्याज, टमाटर, या थोड़ा सा मैंने इसमें जो हमने फ्राई करके रखा था प्याज वो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, वो हम इसमें ऊपर से डाल देंगे। थोड़ी सी कच्ची प्याज भी मैं इसमें डाल रही हूँ, अगर आप नहीं खाते हैं तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। ऊपर से मैंने थोड़े से इसमें गार्निशिंग के लिए टमाटर डाल दिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है, और ऊपर से थोड़ी सी 2-4 मैंने बूंदी इसमें डाल दी है, तो उसे थोड़ा सा देखने में टेम्पटिंग लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।